हेलो चिल्ड्रन टुडे सब्जेक्ट इज साइंस चैप्टर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाइल एग्जामिनिंग द थिंग स्लाइस ऑफ कॉक रॉबर्ट हुक शो दैट द कॉक्स रिसेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम कॉम ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स कॉक इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री कॉर्क है जो बार्क ट्री के वो उसमें से निकाला जाता है राइट right? उसमें से आता है दिस वॉज इन दर सिक्स वेन ऑब्जर्वेशन थ्रू डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने कैसे पता माइक्रोस्कोप के थ्रू रॉबर्ट हुक कोल्ड दिस बॉक्स इज सेल उन्होंने इसको नाम दिया है सेल सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम एक लिटल रूम के लिए सेल बोला जाता था जैसे कि हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे को हम वो बोलते हैं सेल तो वैसे लिटल रूम को सेल बोला जाता था लेटिन वर्ड में उसी के ऊपर से उन्होंने इसका नाम सेल रखा दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस दिस द वेरी फर्स्ट टाइम दैट हैड दैट लिविंग थिंग्स अपियर टू कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट यूनिट्स लिविंग थिंग्स में बहुत सारे ऐसे सेपरेट यूनिट्स है ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज बिंग यूज स्टिल दिस डे इन बायोलॉजी Let us find out about cells. What are living organisms made up of? Let us take a small piece from an onion bulb with the help of a pair of forceps. We can peel off the skin, that is called the epidermis, from the concave side, that is the inner layer of the onion. Now, Onion the inner layer of the onion? This layer can be put immediately in watch glass containing water. आपको वो वॉच ग्लास जिसमें वाटर होता है उसके मतलब वोट, वो ग्लास में जो वाटर फिलअप किया हो उसके ट्रांसपरेंटली आपको उस, आ, उसमें देखना है ऑनियन के लेयर में दिस विल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई व्हाट डू वी डू दिस पिल क्या करेंगे अभी लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड पुट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर ऑन इट आपको क्या करना है वो ग्लास स्लाइड के ऊपर वॉटर प्रूफ डालने हैं एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द ग्लास टू द स्लाइड आपको थोड़ी सी वो पील में से आपको एक स्लाइड के ऊपर डालना है मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड आपको पील को परफेक्टली एक स्लाइड के ऊपर अच्छे से परफेक्टली फ्लैट रखना है थीन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील कोई ब्र, हेयर ब्रश हो उससे आप एक, एक्जेक्टली फ्लैट कर सकते हो ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लीप उसके ऊपर क्या ड्रॉप डालना है सेफ्रानिन टेक केयर टू अवॉइड अवॉइड एयर बबल्स बाई पुटिंग द कवर स्लीप हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल उसको खसे नहीं इसलिए क्या करना है उसको पॉइंट आउट करना है आज योर टीचर फॉर हेल्प वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी अमाउंट ऑन योर पील वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलो बाय हाई पावर सुपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप उसमें बहुत ही बारीकी से देख सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पे माइक्रोस्कोप की फिगर है दैट यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज द आईपीस यहां से हम देखते हैं राइट इसके अंदर एक बॉडी ट्यूब होती है इसके अंदर कोर्स एडजस्टमेंट uh, होता है कितना हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है दिस इज द फाइन एडजस्टमेंट बहुत ही स्मॉल एडजस्टमेंट करने के लिए ए वाला यूज होता है दिस इज द आर्म दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे जो हम देखते, हो, देखते है वो लेंस के थ्रू देखते हैं दिस इज अलिप माइक्रोस्कोप स्लाइड जिसके इसके ऊपर हमने क्या रखा है ओनियन की पील रखी है जो एक ग्लास स्लाइड है राइट दिस इज अ स्टेज उसके ऊपर हम कुछ भी फिटिंग करते हैं राइट right? फिर दिस इज अ स्वेबल, दिस इज अ मिरर एंड बेस, दिस इज अ कंडेंसर सो यहां पे हम स्लाइड रखते हैं और लेंस के थ्रू एडजस्टमेंट करके मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके यहां से हम देखते हैं वट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस हमने लेंस के थ्रू देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कैन यू डू द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट डुक लाइक फिगर फाइव पॉइंट टू आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आपको पेपर के शीटर उसकी फिगर ड्रॉ करने है कि उसमें कैसे दिखते हैं ऑनियन तो पिल के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे सेल बने हुए दिखेंगे देर इज द क्लोज फिगर कनेक्टेड विथ इच अदर देर इज कॉल्ड सेल्स राइट जो बीच बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस राइट तो दीज आर दिल्स ऑफ एन ऑनियन पिल लुक लाइक दिस अगर अभी तो ये ऑनलाइन है इसलिए आप नहीं देख पा सकते घर पे हम लेबोरेटरी में देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑनियन पील के सेल्स वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस वट डू यू ऑब्जर्व डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर वट आर दक्चर किसे बनते हैं दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर टूगेदर दिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बब फाइंड फ्रॉम दिस एक्ट्रेडी दिन बब ऑफ डिफरेंट साइजिसर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप जो भी बड़े हो या छोटे हो सबके अंदर स्ट्रक्चर तो सेम जैसे ही होते हैं द सेल्स ऑफ द ऑनियन बिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन द कैम फ्रॉम कोई भी साइज की लो आप पर उसमें सेल तो सेम जैसे ही दिखते हैं द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर दैसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बब कोई भी ऑनियन आप लोगे और उसके आप देखोगे तो सेल के जो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है यूनिट है वो सेम जैसे ही होंगे चाहे वो कोई भी साइज का हो तीस स्ट्रक्चर्स आर कोल्ड सेल्स नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल दर्गेनिज्मउंडल्सो सिंगल सेल्स दैट ली ऑन देर ओन ऐसे नहीं है कि ऑनियन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं यूनिट से ही बने होते हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी भी सबसे छोटा सा पार्ट सेल से ही बना हुआ होता है राइट सो so, इसके बारे में आगे देखेंगे सेल्स वेर फर्स्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स का डिस्कवर uh, किया था

सेल में जो फ्लड होता है उसको बोलते थे डिस्कवर्ड बाय देट इज सी डिस्कवर्ड 1839 द सेल थियरी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड दैट द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट दैट इज द स्क्लाइन 1839 एंड स्कटीन 1839 सॉरी स्क्लाइन 1838 एंड एट 1839 The cell theory was further expanded by Vico 1855 by assertion that all cells arise from pre existing cells. pre existing cell arise with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. Right? We will see uh, these are the uh, various cells from the human bodies also. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस इज लेड टू द डिस्क्री ऑफ दाइक्रोसोप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो भी मैग्निफाइंग लेंस है वही उसी हिसाब का जो भी लेंस होता है वो माइक्रोस्कोप में फिट होता है उसी के थ्रू हम देख पाते हैं तो ये uh, जो भी uh, इसकी इन्वेंशन है मैग्नीफाइंग लेंस की उस, उसके वजह से आगे आगे जो भी इन्वेंशन होता गया वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आगे बहुती है इसी की वजह से इट इज नाउ नोन द सिंगल सेल मे अ कंस्टीट्यूट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक ही सेल होता है जो सिंगल पूरी वर्ल्ड बॉडी कंस्टिट्यूट करता है राइट right? तो सिंगल सेल अल्सो मे द दर्ल्ड ऑर्गेनिज्म इज इन

प्लांट्स एंड एनिमल उसमें होते है बहुत सारे राइट एवरी मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अल जैसे की हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं तो वो स्टार्टिंग एक ही सेल से होता है और उसमें से बहुत सारे सेल ज्वाइन होकर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते है हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल टू दर ओन का प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो भी एक सेल होते हैं उसमें से डिवाइड होकर फर्दर वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जो तो प्री एग्जिस्टिंग एक ही सेल में से बनते हैं राइट हियर वी कैन प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लिफ फिल्स आप कोई भी लिप फिल का माइक्रोस्कोप में देख सकते हो टिप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन और इवन पिल्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस आफ्टर परफॉर्मिंग द दबो एक्टिविटी लेट एस सी वो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी डू ओल्ड सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ सेपेंड साइज सारे सेम uh, जैसे दिखते हैं, राइट सेम साइज के होते हैं, शेप के होते हैं ड्यूअल सेल्स लुक अलाइक इन ऑफ कोर्स यस फाइंड डिफरेंसिस अमोंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी या कोर्स यस डिफरेंट बॉडी पार्ट में सेल्स डिफरेंट जैसे दिखते हैं। वॉट सिमिलैरिटी कुड वी फाइंड कौन सी कौन सी सिमिलैरिटी हम देख पाते हैं उसमें So that we will learn here, some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. These are the cells from the human body. It functioning the different function depending on their organs. Various cells from the human body, right? Here, smooth muscle cells, blood cells look like this. Nerve cell look like this. Our nervous system they have Fat cell look like this. Bone cell. It is look like this. sperm This is look like this. Right here. यहाँ पे आप देख सकते हो ओ मींस लुक लाइक दिस तो ये सारे पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं साइज के होते हैं सो so, अभी हमको एक क्वेश्चन के बारे में जानना है राइट तो दिस आर द्वेश्चन राइट एंड वी विल लर्न अबाउट द आंसर तो पहला क्वेश्चन था डुअल सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर दो द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म सम सेल्स लाइक एम है चेंजिंग शेफ्स

डिजन ऑफ अबर इन मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनिज्म है्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन हमारे बॉडी पार्ट डिफरेंट होते हैं ऑफकोर्स हम जानते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शनिंग अलग अलग होते है्यूमन बॉडी हैजार्ट टू पम्प ब्लड हमारे पम्प ब्लड करने के लिए हार्ट होता है अस्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सोन राइट right? वैसे उनको पता है जैसे वॉकिंग के लिए लेग होते हैं काम वर्क करने के लिए है, हैंड होते हैं थिंक एंड वो एबिलिटी के लिए हमारा नर्वस सिस्टम होते हैं वैसे सिमिलरली डिविजन ऑफ अ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन विदिन सेल इन फैक्ट इच सेल सच अ सेल अ गुड सर्ट इन स्पेसिफिक कम्पोन विद इन इट्स नॉन एज अ सेल ऑर्गेनल सो हियर इच काइंड ऑफ अ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग अ न्यू मटेरियल इन द सेल तो सेल में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो फंक्शनिंग करते हैं तो ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसके काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शनिंग करते हैं वो न्यू मटेरियल इन द सेल बनाते हैं क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सोर जो टूटा हुआ सेल होते हैं जो हमारी जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो ऊपर के सेल्स स्किन होती है खराब वो निकल जाती है राइट वो तो उसको क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल बोलते हैं सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस Because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. Sarah organelles hote together join the basic unit banata hai cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what the function is or what organism they are found in. Right? So here the question who discussed cells and how. So you know that the story in the uh, very first. right? You have to note down in the notebook. Next step, why is the cell called the structural and functional unit of the life? That we have seen in the living organisms such as all plants and animals are made up of specific types of cell. That is the cells form tissues and this further form the organs and system. The basic structural unit is the therefore cell. So cell is also the smallest entity in the human body that we know, right?